हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो हम लोग अभी देखेंगे, एक करंट का मुद्दा है। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया ईडी के द्वारा। मुद्दा क्या है, क्यों गिरफ्तार किया गया, इनके बारे में किन लोगों ने क्या क्या कहा, है ना, क्या मामला रहा है, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। और ये स्वतंत्र भारत के इतिहास में मुख्यमंत्री रहते हुए पहली घटना है। और ये पहली घटना अगर देखा जाए तो जो तत्कालिक जो सरकार है वो सरकारी तंत्रों का इस्तेमाल करती है गलत तरीके से। और बहुत सारे लोगों ने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि लोकतंत्र के लिए ऐसी सरकारें खतरा हो जाती है, है ना, लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाना चाहती है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, कानून में ऐसे प्रावधान भी नहीं है, फिर भी इसके इनके खिलाफ गलत तरीके से केंद्र सरकार काम कर रही है। बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह की बातें कही, तो हम लोग कुछ कमेंट्स भी पढ़ेंगे किन लोगों ने क्या कहा। उसके बाद हम लोग डिटेल्स में आएंगे कि क्या मुद्दा रहा है, ईडी ने इनको गिरफ्तार क्यों किया। सरकारी तंत्रों का इस्तेमाल कभी भी किसी भी सरकार को जो केंद्र में रहे या राज्य में रहे वो इस तरह से नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र को स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से काम करना चाहिए ताकि लोकतंत्र बचे रहे। लोकतंत्र बड़ा खूबसूरत चीज़ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्या कहता है, चर्चा में क्यों रहा। तो आप देख ही रहे हैं दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल अरेस्टेड, अदर हाई प्रोफाइल अरेस्टेड इन द एक्साइज पॉलिसी केस, है ना। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, बहुत सारे लोगों ने बहुत बहुत बातें कही है। तो सबसे पहले हम अखिलेश यादव ने क्या कहा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बारे में, हम लोग वहाँ पे देखते हैं। उन्होंने कहा कि जो खुद है शिकस्त के खौफ में कैद, वो क्या करेंगे किसी और को कैद, है ना। उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ अरविंद केजरीवाल के पक्ष में कुछ बातें कही। उन्होंने ये कहा कि भाजपा जानती है कि वो फिर दोबारा सत्ता में नहीं आने वाली, इसी डर से वो चुनाव के समय विपक्ष के नेताओं को किसी भी तरह से जनता से दूर करना चाहती है। गिरफ्तारी तो बस बहाना है, ये गिरफ्तारी एक नई जन क्रांति को जन्म देगी, नहीं चाहिए भाजपा। ये बात पूर्व सीएम जो है अखिलेश यादव, उन्होंने ये बात कहा। उसके बाद बहुत अच्छी बातें प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा। उन्होंने कहा कि चुनाव के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल को इस तरह टारगेट करना एकदम गलत और असंवैधानिक है। राजनीति का स्तर इस तरह से गिराना न प्रधानमंत्री जी को शोभा देता है न उनकी सरकार को। फिर उन्होंने कहा कि अपने आलोचकों से चुनावी रणभूमि में उतरकर लड़िए, ये बात सही है, उनका डटकर मुकाबला करिए, उनकी नीतियों और कार्यशैली पर बेशक हमला करिए, यही लोकतंत्र होता है। मगर इस तरह देश की सारी संस्थाओं की ताकत का अपने राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करना, दबाव डालकर उन्हें कमज़ोर करना लोकतंत्र के हर उस उसूल के खिलाफ है। देश के विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए। तमाम राजनीतिक दलों और उनके नेताओं पर ईडी सीबीआई आईटी का दिन रात दबाव है। एक मुख्यमंत्री जेल में डलवा दिए गए हैं, अब दूसरे मुख्यमंत्री को भी जेल में जाने की तैयारी हो रही है। ऐसा शर्मनाक दृश्य भारत के स्वतंत्र इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा है। ये प्रियंका गांधी का स्टेटमेंट था। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हार के डर में गिरफ्तार ये लालच लाचार मोदी सरकार लोकतंत्र को तार तार करती आई है और करती रहेगी, इनका जाना एकदम तय है, इसलिए इनमें इतना भय है। अब देखते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा। डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। उन्होंने कहा कि मीडिया समेत सभी संस्थाओं पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना भी असुरी शक्ति के लिए कम था, तो अब चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है। इंडिया इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा। रोज जीत का झूठा दंभ भरने वाली अहंकारी भाजपा विपक्ष को हर तरह से चुनाव के पहले गैरकानूनी तरीके से कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। अगर सच में जीत का भरोसा होता तो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी का अकाउंट फ्रीज नहीं किया जाता। विपक्षी पार्टियों के नेताओं को ठीक चुनाव से पहले निशाना नहीं बनाया जाता।
सच यह है कि भाजपा आने वाले चुनाव परिणाम से पहले ही डर गई है और बौखलाहट में विपक्ष के लिए हर तरह की मुश्किलें पैदा कर रही है। वक्त है बदलाव का, अब की बार सत्ता के बाहर। ANI ने क्या कहा, इसे भी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी पर दिल्ली के मंत्री और आप नेता गोपाल राय का कहना है, यह लोकतंत्र की हत्या है। दिल्ली की जनता लड़ेगी और जीतेगी। हमने बैठक बुलाई है पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिसके बाद हम आगे का कदम तय करेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी संबंधित दायर याचिका वापस ले लिया गया। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ कहा गया है कि किसी सरकारी अधिकारी के जेल जाने की स्थिति में उसे निलंबित करने का कानून है, लेकिन राजनेताओं पर कानूनी तौर पर ऐसा कोई रोक नहीं है। फिर भी चूंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, ऐसे में अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो राष्ट्रपति दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल, न्यायिक सदस्य NGT। यहाँ देखिए ANI ने क्या कहा। आप नेता आतिशी का कहना है, हमें खबर मिली है कि ED ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। हमने हमेशा कहा है कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे, वह दिल्ली के CM बने रहेंगे। हमने सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया है, हमारे वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं, हम आज रात सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग कर रहे हैं। चलिए आगे देखा जाए, मामला हम आपको दिखाते हैं। मुद्दा क्या है, मुद्दा देखिए, दिल्ली सरकार 7 नवंबर 2021 का है, नई शराब नीति को लेकर के, नई शराब नीति को लेकर के है। और दिल्ली की 100% शराब की दुकान प्राइवेट सेक्टर में अब हो गई। उपराज्यपाल को दिल्ली के मुख्य सचिव शराब नीति में उल्लंघन से संबंधित रिपोर्ट दिया गया था, 8 जुलाई 2022 को दिया गया था। आगे देखेंगे क्या है और मामला। दिल्ली के उपराज्यपाल, CBI जांच की सिफारिश 22 जुलाई 2022 को हुई और 28 जुलाई 2022 को नई शराब नीति को रद्द कर दिया गया। कारण क्या था कि नीति के कार्यान्वयन में अनियमितता हो रही थी और नीति निर्माण में प्रक्रियात्मक कमियां हो रही थी। आगे देखते हैं, 22 अगस्त 2022 को ED ने CBI से मामले की जानकारी लेकर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत केस दर्ज कर लिया और 2 नवंबर 2023 को ED ने दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल को पहला समन दिया और 9 समन जारी करने के बाद यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंच गया। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने ED के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया गया और हाईकोर्ट द्वारा ED की पूछताछ के बाद CM की गिरफ्तारी संबंधी सुरक्षा देने में असहमति दिखाई। 21 मार्च 2024 को ED ने 10वां समन जारी कर दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल से कुछ घंटों तक पूछताछ की और गिरफ्तारी कर लिया गया। बस यही मामला है, इसके बाद ऐसा कुछ है नहीं। ईमानदार नेता हैं बेचारे। शराब नीति मामले में अब तक प्रमुख गिरफ्तारियां, शराब घोटाले में अब तक ये हुए गिरफ्तार जो आप देख रहे हैं इन लोगों को। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, नई शराब नीतियों में घोटाले के आरोप क्या लगे। तो शराब दुकानों के लाइसेंस फीस में अत्यधिक वृद्धि कर बड़े शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाना, ऐसा कहा गया। खुदरा मूल्य पर शराब बिक्री से राजस्व को नुकसान पहुंचाना, ये भी इसमें समाहित है। और यहाँ पे देखेंगे क्या है दिल्ली की नई शराब नीति। दिल्ली में 32 जोन, प्रत्येक जोन में अधिकतम 27 शराब की दुकानें हैं और 849 दुकानों को लाइसेंस देने का प्रावधान किया गया और शराब की दुकानों प्राइवेट सेक्टर में शामिल हो गए। इस नीति से पूर्व दिल्ली में शराब की दुकानों की स्थिति क्या थी, सरकारी क्षेत्र में 60% दुकानें थी और प्राइवेट क्षेत्र में 40% दुकानें थी, लेकिन नई शराब नीति के तहत 100% जो दुकानें हैं प्राइवेट सेक्टर में कर दिया गया। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे कि नई शराब नीति लागू करने के पीछे सरकार का तर्क क्या है। तो दिल्ली सरकार को 3500 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ।
शराब दुकानों के लाइसेंस की फीस कई गुना बढ़ा दिया गया है ना, जो लाइसेंस के लिए 5 करोड़ रुपए फीस थी, पहले 25 लाख फीस था और बाद में इसको 5 करोड़ कर दिया गया। एन कैटेगरी में, अन्य कैटेगरी में भी लाइसेंस की फीस में बढ़ोतरी कर दिया गया। दिल्ली में इन 3 मुख्य वजहों से लाई गई नई शराब नीति थी। क्या क्या नीतियाँ थी? जैसे दिल्ली में करीब 2000 गैर कानूनी शराब की दुकानें थी, जबकि कानूनी दुकानों की संख्या 850 थी। इन गैर कानूनी दुकानों को बंद करने के लिए यह जो नीति है लागू किया गया। आबकारी विभाग ने 1 साल में 7 लाख शराब की बोतलें पकड़ी थी। वहीं करीब 1864 FIR दायर हुई थी। गैर कानूनी शराब के साथ 1000 गाड़ियां भी जब्त की गई। और तीसरा है कि नई नीति लाई गई ताकि टैक्स चोरी करने वाले दुकानदारों पर लगाम लगाई जा सके। आगे यहाँ पे देखते हैं हम लोग। दिल्ली की नई शराब बिक्री नीति के अंतर्गत नियम क्या कहता है? तो शराब की होम डिलीवरी होने लगी। शराब दुकानों को सुबह 3 बजे तक ओपन रखने की परमिशन दिया गया। लाइसेंसधारी शराब पर असीमित छूट देने का प्रावधान भी किया गया। नई नीति से आए ये बदलाव क्या है? तो शराब की दुकान की खिड़की सड़क की तरफ नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरा, शराब दुकान के पास अपनी पर्याप्त जगह होनी चाहिए जो कम से कम 500 स्क्वायर फीट में हो। अब खुली जगहों में शराब पीना प्रतिबंधित कर दिया गया और दुकानों के अंदर ही उसका काउंटर होना चाहिए, ऐसा प्रावधान रखा गया। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए गिरफ्तारी संबंधी प्रावधान, तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होना भारत का पहला मामला है। इससे पूर्व में किसी मुख्यमंत्री पद के त्याग पत्र देने के बाद गिरफ्तारी के मामले बहुत आए। और यहाँ देखेंगे कि दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष मुख्यमंत्री पद पर अरविंद केजरीवाल को बने रहने की बात कही गई है। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, गिरफ्तारी के पहले बहुत ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो त्याग पत्र देने के बाद ही उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। जैसे हेमंत सोरेन हो जाते हैं, लालू प्रसाद यादव हो जाते हैं, जयललिता हो जाती हैं, BS येदुरप्पा हो जाते हैं और उमा भारती हो जाती हैं। लेकिन यह स्वतंत्र भारत का पहला मामला है। चलिए यहाँ पे देखते हैं कानून क्या कहता है, संबंधित कानूनी प्रावधान क्या है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की धारा 135 के अंतर्गत किसी भी मुख्यमंत्री को गिरफ्तारी में छूट दिया गया है। इसका मतलब ये है कि केंद्र सरकार क्या है, गलत तरीके से ये काम कर रही है। और विपक्षी बहुत मजबूत है। अरविंद केजरीवाल के बारे में अधिकतर लोगों को पता है, प्रथम प्राथमिकता लोग देते हैं उनको, अच्छे लीडर के रूप में। दिल्ली में उनका बोलबाला है, बहुत सारे जगहों पे उनका बोलबाला होने लगा, जिसके वजह से ऐसा शायद हो सकता है केंद्र सरकार के द्वारा ऐसा किया जा रहा हो चुनाव से पहले ही। हालांकि देखा जाए तो उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग अभी चाहने लगे हैं अरविंद केजरीवाल को, है ना। तो सत्र शुरू होने के 40 दिन पहले गिरफ्तारी का जो में छूट गया है, और ये कहता है कि सत्र समाप्त होने के 40 दिन बाद तक नहीं गिरफ्तार किया जा सकता। क्रिमिनल मामले में छूट का प्रावधान नहीं है, लेकिन अगर हम लोग बात करें अनुच्छेद 361 जो केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल को पद पर रहते हुए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, है ना, और सिविल और क्रिमिनल दोनों के मामलों में इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता पद पर रहते हुए। तो चलिए, संभावित कुछ प्रश्न हैं जो आप बताइए, क्या संभावित प्रश्न में होगा, इसका आंसर क्या हो सकता है, आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। किसी व्यक्ति के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए गिरफ्तारी संबंधी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो संविधान के अनुच्छेद 361 के अंतर्गत मुख्यमंत्री को गिरफ्तारी से छूट प्राप्त है। किसी व्यक्ति को राज्य के राज्यपाल पद पर होने की स्थिति के बावजूद क्रिमिनल मामलों में गिरफ्तारी किया जा सकता है, है ना, कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन में आपको 4 दिया हुआ है, ज़रूर बताइए कि कौन सा इसमें सही होगा, ठीक है। तो चलिए, हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड में एक करेंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।